इंडिया की स्वतंत्रता में बहुत सारे क्रांतिकारियों का हाथ था। हमें स्वतंत्रता अहिंसा के जरिए मिली, लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया। उन्हीं में से एक थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम स्वातंत्र वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। उनकी जीवन गाथा को बड़ी स्क्रीन पर रंदी फुड्डा लेकर आ रहे हैं 22 मार्च को। उस मूवी का ट्रेलर आ गया है, तो कैसा है ट्रेलर, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ट्रेलर से हमें पता चलता है कि अहिंसा के साथ साथ हमने हिंसा के जरिए भी स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ाया था। पूरे ट्रेलर में रणदीप हुड्डा उभर के दिख रहे हैं। इस ट्रेलर में हमें रणदीप हुड्डा के बहुत सारे लुक्स देखने को मिलते हैं। रणदीप सर को हमने इससे पहले बहुत सारी मूवीज में देखा है और उन्होंने अलग अलग किरदार भी निभाए हैं। वो अपने किरदार में बखूबी ढल भी जाते हैं। अगर आपने सरबजीत मूवी देखी होगी तो उसमें रणदीप सर ने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का किया था। सेम वैसा ही रणदीप सर इस मूवी में लग रहे हैं। उन्होंने फुल ट्रांसफॉर्मेशन किया है और वो डिटो सावरकर जी की जैसे लग रहे हैं। इस मूवी में हमें उनके जज्बे और उन्हें दो बार मिले उम्र कैद की स्टोरी को दिखाया जाएगा। हम सभी को मालूम है कि गांधी जी को किसने मारा, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि सावरकर जी की स्टोरी को किसने मारा। होप इस मूवी से हमें पता चल जाए। मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। ट्रेलर में दिखाई गई एक एक फ्रेम हमें पुराने जमाने में लेके जाती है। ट्रेलर में हमें भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर जैसे बहुत सारे नेताओं को दिखाया गया है और उन्हें प्ले करने वाले एक्ट्रेस भी अच्छे लग रहे हैं। होप कि मूवी अच्छी हो। इस मूवी को रणदीप हुड्डा डायरेक्ट कर रहे हैं और ये इनकी पहली डायरेक्टोरियल मूवी है। तो अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए।